बेकोली चंद्रपुर क्षेत्र के डीआरसी 3 और 4 के इलेक्ट्रॉनिक कांटे में चिप लगाकर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। इस मामले में शामिल एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। बेकोली चंद्रपुर क्षेत्र के डीआरसी 3 और 4 में 50 टन इलेक्ट्रॉनिक्स कांटे में चिप लगाकर छेड़छाड़ करने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें अब तक बेकोली का करोड़ों रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस मामले में बेकोली चंद्रपुर क्षेत्र के रैयतवाड़ी उप क्षेत्रीय प्रबंधक दक्षिण मूर्ति वेदगिरी ने रामनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें बिलासपुर स्थित आरआर इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट के वे ब्रिज सर्विस इंजीनियर उमेश शुक्ला, उनके सहायक मुकेश आंद्रस्कर, बेकोली चंद्रपुर क्षेत्र के डीआरसी टेलीफोन लाइन मैन अजीत सिंह गौतम तथा लिपिक राजेश यादव का समावेश है। रैयतवाड़ी के उप क्षेत्रीय प्रबंधक दक्षिणामूर्ति वेदागिरी ने रामनगर पुलिस में शिकायत दी, जिसके अनुसार बेकोली का 60 टन कबाड़ उठाने का ठेका फैस ट्रेडर्स पडोली को दिया गया है। इस दौरान बेकोली में 5 सदस्यीय समिति 8 अगस्त को वजन काटा जांच करने जाने पर उन्हें वाहन का वजन 6,680 किलो कम दिखाई दिया। इस दौरान वाहन का वजन कम आने पर वे ब्रिज सर्विस इंजीनियर उमेश शुक्ला को जांच के लिए बुलाया गया। उसने जांच कर वजन का काटा बराबर होने का लिखित स्वरूप में दिया। फिर दूसरे दिन 9 अगस्त को डीआरसी 3 का वजन कांटे की जाँच की गयी। तब इलेक्ट्रॉनिक वजन कांटे में वाहन का वजन 24.80 टन दिखाया, जिससे वजन कांटे में छेड़छाड़ होने का संदेह आने पर वजन कांटे की जाँच की गयी। जांच दौरान डीआरसी 4 के इलेक्ट्रॉनिक वजन लोड सेल केबल पर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाने की बात सामने आई, जिसके बाद 16 जुलाई 2024 को सीसीटीवी कैमरे में वेब्रिज सर्विस इंजीनियर उमेश शुक्ला, उनका सहायक मुकेश आंद्रस्कर, डीआरसी के टेलीफोन लाइन मैन अजीत सिंह गौतम तथा लिपिक राजेश यादव या 4 लोग इलेक्ट्रॉनिक वजन कांटे में छेड़छाड़ करते दिखाई दिए, जिससे बेकोली का बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। ऐसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने 4 के खिलाफ अपराध दर्ज किया। बताया जा रहा है कि पडोली स्थित फैस ट्रेडर्स को 60 टन कबाड़ उठाने का ठेका मिला था, लेकिन बेकोली के कर्मचारी ठेकेदार फैस ट्रेडर्स को फायदा पहुंचाने वजन कांटे पर चिप लगाई थी। क्या बेकोली के कर्मचारियों को लालच दिखाया गया था? इसमें और कौन कौन शामिल है, जैसे विभिन्न सवाल उपस्थित हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी को हिरासत में लेकर जाँच शुरू की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में आरोपियों की संख्या बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है।